नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मोदी सरकार को आज देश में 4 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा देश भर में इस दिन को जश्न के रूप में मना रही है, तो वहीं देश भर में विपक्षी दल एकजुट होकर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया और प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, सुरेश पचौरी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने अपने रिपोर्ट कार्ड में मोदी सरकार को फेल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इन 4 सालों में अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। देश भर में लोग परेशान हैं, महंगाई को लेकर हाहाकार मची हुई है। इन 4 सालों में किसान आत्महत्या के मामले, बेरोजगारी और महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, किसान फसल बेचने के लिए परेशान हो रहा है। महिलाएं अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कांग्रेस और देश की नजरों में मोदी सरकार हर क्षेत्र में विफल हुई है। देशवासियों की आवाज को आगे उठाती है। आज देशवासी मोदी सरकार से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो वादे मोदी सरकार ने देशवासियों से किए थे, उन वादों की पूर्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। सीमा पार से देश में आतंकवादी हमला कर रहे हैं और देशवासियों को, खासतौर से नौजवानों और किसानों से जो वादे किए गए थे, उन वादों की पूर्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। अभी तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।